माही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये क्या टाइप हो रहा है बेटा? ये क्या है? ये पाय है? पाय ये क्या है? ये क्या है? बॉडी। ये क्या है? ये हाँ ब्रश है। हाँ। क्या कर रहे हो? ब्रश कर रहे हो? कैसे करते? इससे तो लिप्स को ब्रश हो जाता है। ई करो, ई ई ई ई करो, ई कैसे कर रहे हैं? ई करके करते हैं, आ करके नहीं। करो ऐसे करते हैं, ब्रश करते हैं। मामा ऐसे ब्रश करता है। मम्मा करेगी, दे दो मम्मा को, मम्मा को दे दो। अच्छा ठीक है, चलो नीचे उतर जाओ। हाँ उतरते नीचे, हाँ नीचे उतरते हैं। अच्छा फिर ब्रश करो, चलो। ये ब्रश करते हैं ऐसे, ई करके करते, ई करके, ई। हाँ आप ई करो, ब्रश करो, ई करो ऐसे, नहीं ई करो, ई ई। हाँ करो ई, ई। अच्छा हेलो फ्रेंड्स कर दो, हाय हेलो फ्रेंड्स। अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो किशो भाई। कौन सी भाषा है ये? भाग गए। कौन भाग गए? चले नीचे उतर जाओ। क्यों नीचे उतर जाओ? नो नो। क्यों? पापा गए। हाँ। पापा कहाँ गए? ऑफिस गए। माई को आजादी मिल गई। आजादी दादी। आजादी दादी। अच्छा ब्रश हो, जल्दी से नीचे उतरो। हाँ हाँ अच्छा मम्मा ने कैसे बोला? ई करके ब्रश ब्रश करो। बस बहुत हुआ, चलो गोदी आ जाओ। बोलो। अच्छा हेलो कैसे हो भाई? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल, मैं हूँ मैमन वर्ल्ड। और ये है माही, जो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और ये ब्रश कर रही है। मिस लोग सुबह करते हैं या अभी कर रही है, मतलब जब इसको जो मिल गया तो वो करना शुरू कर देती है। ब्रश कर रही है अभी। हाँ हाँ चलो अंदर चलते हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं, हाँ 3:30 हो रहे हैं। 3:30 भी नहीं हो रहे, मैंने गलत टाइम बताया, 4 बज रहे हैं। और मैं और माही ऐसे बेड पर लेटे हुए थे, ठंड इतनी हो रही है दिल्ली में, क्या बताएं। ये देखो शॉल भी उड़ा हुआ है और वुलन की कुर्ती पहनी है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठंड को जा ही नहीं रही है इतने कपड़े पहनने के बाद भी। तो ठंड हो रही है, माही फिर भाग गई। पर माहिका को कोई ठंड नहीं लगती है, वो तो शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं पहन रही पैरों में और इधर से उधर घूम रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यही था। अच्छा आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं 4:00 और मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यही सब कुछ था जब मैंने बोला ना इसको, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा बोल, जब तक ये फ्रंट में अपना कैमरा नहीं देखेगी तब तक इसको नहीं लगेगा। अभी सबको ब्रश करके दिखा रही है, ब्रश ऐसे करते। अच्छा हाँ ई करके करते हैं और फिर ई करके ब्रश करते, ई ऐसे करो। एप्पल एप्पल काबा है, काबा सोई सोई, माहू नहीं सोई, काबा सो गई लेकिन माही नहीं सोई, माही नहीं सोई। तो अब जो है उठेंगे, बिस्तर त्यागेंगे और काम धाम में लगेंगे, डिनर की प्रिपरेशन ये सब वो सब। 4 बज रहा, पहले तो अपने लिए बनाते चाय और थोड़ा सा मैंने हाय।
ऑयल किया है सर पे हल्का फुल्का। हेलो, तो ये ऑयलिंग की है। अब जो है चाय बनाते हैं। और मेरे ना क्या यहाँ पर दाना सा हो गया, दर्द कर रहा है। सो फ्रेंड, मैंने तेल चढ़ाया हुआ है शाम के नाश्ते के लिए। मैं बना रही हूँ वर्मैकली, जिसको जवे भी बोलते हैं, सूजी वाले, तो वही बना रही हूँ। उसके लिए मैंने इस तेल चढ़ाया, तेल मेरा गर्म हो गया। और अब मैंने इसमें डाल दी है राई, काली राई तड़कने के लिए। तो वो तड़क जाएगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं है, तो जो सूखा के मैं रखती हूँ मैं वही डालूँगी। क्रश करके मैंने डाल दिया है। सूखने के बाद भी देख सकते हैं मैं कड़ी पत्ता जो है ग्रीन ही है, क्योंकि मैं इसको ना छाँव में सुखाती हूँ, तो इससे इसका कलर ख़राब नहीं होता, ग्रीन ही रहता है, ब्लैक नहीं होती। अब मैंने इसमें हींग ऐड कर दिया थोड़ा सा। हींग से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और मैं अपने ऑलमोस्ट जो भी खाना सब्जी वगैरह होती है मैं हींग डालती हूँ, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। इससे इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है हींग डाल के। तो ये मैंने हींग डाल दिया, मैंने उसको भूनने के लिए रख दिया है। अब मैंने इसमें प्याज लंबी बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। इनको मैंने लंबे शेप में काटा है। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पे बीन्स काटी हुई हैं बारीक, मैं इस बीन्स को भी इसमें डाल दूँगी। मैं इसमें सब्जी डाल के बना रही हूँ, तो ये बीन्स भी थोड़ा भुन जाएंगी। अब मैं इसमें जो है हरी मटर डाल रही हूँ एक मुट्ठी, तो ये भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो ही मैं इसमें वर्मैकली डाल दूँगी, और मैं मटर को इसी स्टेज पर भून के पका लूँगी, ताकि बाद में मेरे को इसको बॉईल ज़्यादा करना ना पड़े। तो ये अभी ऐसे फटने लगती हैं जब पकती हैं। तो इसको अच्छे से पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और डाल दिया है, जिससे कि सारी सब्जियां जो अपने मॉइस्चर छोड़ देंगी, और मॉइस्चर छोड़ने की वजह से वो जल्दी पकेंगी। तो ये जो है सब्जियाँ मैंने अच्छे से भून गई है मेरी, ये फटने लग रही हैं मटर। अब मैंने इसमें वर्मैकली ऐड कर दिया है, और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी सब्जियों के साथ। तो ये देखिए कैसे पिचक गया मटर, क्योंकि ये अच्छे से पक गया था। तो ये अच्छे से भून गया था मटर भी और सारी सब्जियां वगैरह। तो अब मैंने इसमें वर्मैकली अच्छे से मिला लिया है, भून लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये अच्छे से मैं इसको मिला लूंगी अच्छे से भुनने के बाद, ताकि थोड़ा सा भून जाए, बाद में मुझे ना इसको ज़्यादा ना उबालना पड़े। ये मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है, और ये इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया। पहले ही मैंने थोड़ा नमक ऐड किया था, इसलिए मैं कम ऐड करूँगी। बस मैंने यही मसाले इसमें डालने थे। अब ये अच्छे से इन मसालों को सबको मिला लूँगी, ये मिल जाएगा। तो जितनी मैंने वर्मैकली रखी है, अब मेरे को उतना ही पानी भी इसमें ऐड करना है। यानी मैंने एक कप रखी थी, एक कटोरी वर्मैकली थी, तो बस एक कटोरी मेरे को पानी भी इसमें ऐड करना है। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया, क्योंकि पहली बार ही जो था मैंने पूरा एक कटोरी नहीं भरा था। तो जितना आपने वर्मैकली रखी है उतनी पानी भी आप डाल दीजिए। वैसे तो आपको मतलब एक कटोरी वर्मैकली है तो डेढ़ कटोरी डालना होता है, लेकिन मैंने सारा पहले ही भून लिया है, तो इतना ज़्यादा पकाने की मेरे को अब ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैंने अपना ऐड किया टमाटो सॉस, जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, और कलर भी बहुत अच्छा सा रेड आ जाता है। तो और इसको मैं पानी डालने के बाद इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, ये वर्मैकली हो गई है रेडी खाने के लिए। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है, और इसका कलर अच्छे से नहीं आ रहा, मे बी लाइटिंग की वजह से, पर इसका कलर थोड़ा सा रेडिश टोन में है, क्योंकि सॉस की वजह से। अब बोलो। अच्छा खाओ, आप खा लो पहले, फिर बात करेंगे। सो फ्रेंड, ये बहुत ही यमी बना है। इसका कलर ना वीडियो में पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन रेडिश कलर है, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डाली है और सॉस डाला, तो उससे थोड़ा कलर रेड आ गया। मैं और माही खा रहे हैं। माहिका को मैं बीच बीच में खुद से खिला देती हूँ, क्योंकि अभी अच्छे से अपने आप खाती नहीं। माही खाओ। यमी। और मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई। हाँ, अब मायका ने देखो यहाँ मीना बाज़ार लगाया है। ये सारे डब्बे किचन से ला के बेड पे रखे थे, और उससे पहले तो सबको उधर उधर मचा रखा था पूरा। ऐसा ही करती रहती है, तो ऐसा चलता रहता है। और अभी बज रहे हैं 5:30। अब मैं रात का डिनर बनाना शुरू करूँगी। डिनर में मैं बनाऊँगी मटर, फटाफट बन जाएगा आराम से।
मैं खिलाऊं? अम्मा खिला देगी, दो अम्मा कैसे खिलाएगी माँ को। यम्मी, ये देखो माई, माई तो बहुत अच्छा बच्चा है ना, माई बहुत अच्छा बच्चा है ना। मैं इसमें ना वेजिटेबल्स सारी डाल देती हूँ कि माही ना इसे खा लेती है। अच्छा ये दूँ, ये चाहिए, फिर क्या चाहिए? अच्छा खुद से खाना है। ये लो खा लो ना। अच्छा खुद से खा लो, चलो हाय बाय। माही खिला दो बेटा थोड़ा सा। अच्छा खुद से खाओगे? ये थोड़ी देर ना ऐसे खेलेगी फिर खा लेगी। बीच बीच में एक आध बाइट में इसको खिलाती रहती हूँ ताकि इसे कुछ खा ले। बाकी ये बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेती है। और मैकलीज बोलते हैं इनको, कुछ कुछ लोग जवे भी बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। नंदन को भी मतलब हम तीनों को ही पसंद है, माही भी खा लेती हूँ। सूजी वाली जो होती है ना वो लानी चाहिए, हेल्दी रहती है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ये डब्बे यहाँ पे क्या कर रहे हैं सारे? वो सारा वो टेबल से कवर उतार के नीचे रख दिया, सब कुछ कर दिया, क्या किया आपने? हाँ हाँ डब्बा नीचे नहीं गिरा बेटा, सारे डब्बे आप किचन से यहाँ लाए, क्यों लाए हो, क्यों लाए, क्यों लाए? हाँ हाँ बताओ। हाँ ऑफिस नहीं, ऑफिस ले आने हैं, क्यों लेके जाने हैं आपने ऑफिस? अच्छा पापा लेके जाते हैं इसलिए, पापा भी ले आते हैं ऑफिस, पापा भी ले आते हैं ऑफिस। ये सारे डब्बे चाहिए, मम्मा को दे दो, ये दे दो मम्मा को, ये भी दे दो, मम्मा रख देगी वापस, ले जाओ। ये डब्बे वाले क्या बेटा, पिछले जन्म में कबाड़ी वाले थे, हैं पिछले जन्म में कबाड़ी वाले थे, डब्बा टीन टक्कर सब चाहिए, क्यों चाहिए? नो क्या चाहिए, मम्मा को वापस करो, ये दे दो। ये डब्बे क्यों चाहिए सारे? माही मम्मा गुस्सा में आ जाएगी, मम्मा बहुत गुस्सा में आ जाएगी, देखोगे कि नहीं देखोगे मम्मा की तरफ, मम्मा बहुत गुस्से में आ जाएगी। ये क्या, ये क्या दबा। दे दो डब्बा, इतने डब्बे क्यों चाहिए, इतने डब्बे क्यों चाहिए? ये हाँ ये डब्बा चाहिए। ये रोना धोना क्यों शुरू कर दिया है, क्यों शुरू कर दिया रोना धोना? ये आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आंखों से आंसू? आंख है भरी भरी और मम्मा आप मुस्कुराने की बात करते हो। अभी तो रो रहे थे, ये आंसू आ गया। हेलो कैसे भाई, सब नौटंकी है। ये डब्बा दो मम्मा को, मेरा डब्बा है नया वाला, वो अभी लाई मम्मा उसको, वो डब्बा मम्मा का नया वाला है, मम्मा को दो, पुराने डब्बे से खेलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Thank you. Thank you once again. Do. Isko bhi do. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. See you soon. See you soon. See you later. Bye. Bye. Mwah. Chalo, bye. Ye dabbe le jao main sare. Le jao. Ye rakh do na. Ye to mera obedient baby hai. Ye to mamma ki sari baat manta hai. Do. Finally, maahu ne sare dabbe mujhe de diye jo wapas kitchen mein jayenge. Acha de do. Ye bhi. Acha mamma ek ek karke le aayegi. Mamma ke do hi haath hai. Mamma bhi thodi der mein aayegi le jayegi. तो माहिका ने मुझे मेरे डब्बे वापस कर दिए हैं उसका ये काम है वो किचन से ड्रॉस से ना सारे डब्बे खोल खोल के ले जाती है और खेलती है और चम्मचें ये सब मेरी बहुत ही गायब होगी मिल नहीं रही है बैठ के कोने कोने में घुसाई नहीं है इसने सारा रैक खाली कर दिया देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए देखा आपने पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा सारा रैक इसने खाली कर दिया माही और डब्बे लेके आओ बेटा अंदर से डब्बे लेके आओ और इधर डाल दो जाओ ले आओ अंदर से और मम्मा भी डिनर बनाएंगी रात को डिनर नहीं खाओगे आप जाओ ले आओ तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं डिनर माहिका का तो लगा रहेगा वो दिन भर इसी तरह से ड्रामे करते रहेगी और मैंने ये बनी वाला रबड़ लगाया ऐसे लग रहे जैसे मेरे दो खरगोश के जैसे पीछे से कौन ऐसे हो गए चलो मैं ही ले आती हूँ तो लाएगी नहीं बेचारी छोटी है ना इतना इसने मेरे पे तरस खा लिया कि डब्बे मेरे वापस कर लिए क्या कम है जो अब इससे मैं ये डब्बे भी उठवाऊँ इतनी निर्दयी नहीं हूँ मैं भगवान चलिए मेलोड्रामा बहुत हो गया काम पे लगते हैं नहीं हूँ चलो बेटा अरे बाप रे हवा का झोंका आएगा ना इधर से उधर हिल जाओगे यहाँ आने की ज़रूरत मत करना बिल्कुल मुँह पे उंगली बिल्कुल मुँह पे उंगली मम्मा को काम करने दो जब देखो परेशान करते मम्मा की सारी ड्रेसिंग टेबल खराब कर दी है सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर रही थी क्योंकि माइका ने बहुत मैस कर दिया था वो सामान निकाल निकल के नज़र कर देती है तो वही मैं अपनी सारी ज्वेलरी सेग्रीगेट कर रही थी मैं इसी तरह से बॉक्स बना के रखती हूँ और ये जो भी ज्वेलरी होती है ऑक्सीडाइज होने वाली होती है मेरी तो उसको मैं ये करती हूँ कि पॉलीबैग्स में पैक करके रखती हूँ ताकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे वो ऑक्सीडाइज ना होए नहीं तो ये सारा कलर ख़राब हो जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो वही सब मैं कर रही थी और माहिका को इसीलिए डांट लगा रही थी उसने जैसे देखा ना मुझे एक काम करते हुए वो मेरे पास आ रही थी सब चीज़ें छेड़ने के लिए तो उसको डांट लगा के साइड में खड़ा कर दिया और मैं अपने काम में लग गई हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल अरेंज करने में तो ये जो नेल पेंट्स वगैरह है और जो बेस मेकअप है उसको मैं इसी तरह से अलग अलग बॉक्सेस में रखती हूँ और ये सारे पैकेट्स मेरे बन गए हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के तो ये कभी कभी ओकेजनली पहनती हूँ ज़्यादा पहनती भी नहीं तो इसलिए इसको बॉक्स में ही बंद रखती हूँ बहुत रेयर मेरा यूज़ होता है ये अगेन वेलकम अगेन टू मी वॉम इन वर्ल्ड और अभी सुबह के 12:45 बज रहे हैं और थर्सडे आज कल रात को मैं वेडनेसडे वाला व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी तो मैं सोचा अभी कर देती हूँ थर्सडे है मॉर्निंग सारा मॉर्निंग के 12:45 हो रहे हैं 12:45 ज़्यादा ही हो गए मतलब 12 बजने वाले हैं 10 मिनट बाकी हैं तो बस मैं नहा धो के रेडी हो गई और अब जाऊँगी अपना एक शूट के लिए तो मैं सोचा उससे पहले पिछला काम पूरा कर दे तो बस यही था और ये माहिका ने अभी नहीं नहाया है ये कहाँ क्या दे दे माही ये देखिए क्या दे दे मम्मी
अच्छा मम्मी गोदी दे दो बोल रही है ये, इसको मेरी गोदी चाहिए। ये देखो अब बोलेगी, अब बोलेगी, अब बोलेगी। तो बोलो ना, क्या बोलना है? हेलो कैसी भाई? ठीक है सब, आप कैसे हो? बाय 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 बाय। अच्छा तो माइका बाय कर रही है। प्यारी करते सबको, फिर बाय करो। बाय बाय। तो गाइस यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और मिलूंगी आपको एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको किसी वजह से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।